हेलो फ्रेंड्स, रात के पौने 11 बज गए हैं। ज्योत्सना का अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया कि नीरज बस नो सेकंड थॉट, तैयार हो और निकल जा, मैं तेरे को हाईवे पे मिलती हूँ। तो चलिए, मैं भी अब हाईवे पे पहुँच रहा हूँ, आपको रास्ते में अपडेट करता रहूँगा। सो कम ऑन, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज वीकेंड है और एक नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। अभी मुझे नीरज मिलेगा हाईवे पे, जहाँ से हमारा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, और वहीं पे हमारी बस आएगी जो हमें पिक करेगी। तो एक बार नीरज से मिलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। शायद आप लोग गैस भी कर ही लेंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। नीरज अब पहुँच रहा है, देखो लेट है, और बैग इधर रखा है, खुद पैसे वहाँ दे रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, कोई बैग ही उठा के ले जाए रोड पे से। और हमारी बस भी आ चुकी है सामने, थोड़ी देर में आपको मिलके बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। अभी थोड़ा जल्दी में हो रहे हैं, बस आ चुकी है रोड पे, आप देख रहे हैं पीछे हाईवे पे रुकती नहीं है यहाँ पे। चलिए तो दोस्तों, हम लोग बस में बैठ चुके हैं, ये रहे हमारी बस। ब्रेक हुआ है, टाइम क्या हो रहा है नीरज? 1 बजने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक लिया है अभी एक छोटा सा, यहाँ पे कि सब लोग नीचे उतर के कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं और कुछ लोग जस्ट स्ट्रेच आउट कर रहे हैं। अभी यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे, देखिए अभी आगे जाके क्या कहाँ पे ब्रेक लेते हैं। अब कोई ब्रेक नहीं है, अब इसके बाद डायरेक्ट बेस विलेज ही पहुँचेंगे हम, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, ऑनली 200 किलोमीटर भी नहीं है मुंबई से, तो ज़्यादा लंबा नहीं है। बट ये है कि फिर भी थोड़ा ब्रेक ले लिया है, थोड़ा सा किसी ने, जो लोग ऑफिस वाले हैं वो लेट आते हैं तो उन्होंने कुछ खाया नहीं रहता है, तो कुछ खा लेंगे, बाकी हम तो घर से खा के आए थे। गाइस, हमने भी अल्टीमेटली ये सोचा कि चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, तो कुछ अपने को भी इंटरेस्टिंग यहाँ पर नज़र आया है। स्वीट कॉर्न, अभी वो हम लोग जो है ऑर्डर कराए हम लोगों ने, मसाला। अबे साले, तो यहाँ पर मैं और ज्योत्सना जी खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर होने का, और ये भाई साहब का वेट कर रहे हैं कि कब ये बनाना शुरू करेंगे। ये है हमारा स्वीट कॉर्न, कुछ मेरे को खास टेस्टी नहीं लगा, पर ठीक है, इसमें लेमन ही डाला उसने ज़्यादा। नो नहीं, आगे देखो कैसा है। कुछ खास नहीं है ना? नहीं, कुछ ज़्यादा खास नहीं, लेमन नहीं है एक्चुअली, बाकी तो सब एडलवाना है, लेमन थोड़ा खट्टा। नहीं ठीक है, अब ज़्यादा लेमन डालेगा तो और ख़राब लगेगा, बट मसाले का टेस्ट ज़्यादा है इसके अंदर। तो ठीक है ना, बॉयल है ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओपनिंग नाइट, आपका एक बार फिर से स्वागत है बफर डूड व्लॉग्स में। दोस्तों, हम लोग पाली पहुंच गए हैं, अभी सुबह के 4 बजे हैं। हम लोग यहाँ पर 2:30 बजे पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी देर हमने अंदर बस में ही रेस्ट किया। अभी हम लोग फ्रेशन अप होके ट्रैक के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ हम लोग खड़े हैं बाहर बलालेश्वर देवस्थान के बाहर ही खड़े हैं, और इसकी बैक रोड से हमारा ट्रैक अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। गुड मॉर्निंग, मुँह धो लिया है, ब्रश कर लिया है, फ्रेश हो गए हैं एकदम, नींद वाली जैसी शक्ल लग रही है। तो मेरा नीरज एकदम फ्रेश हो गया, नीरज ना एकदम सोया भी नहीं है आज। मैं तो बस में थोड़ी देर सो गई थी आराम से, 2-3 घंटे नहीं सोया मैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेच करता रहा, सोता रहा, अभी जो है फ्रेशन अप हो गया, थोड़ा बहुत मुंह पे छींटे मार के, शायद आपको मुंह पे जो है पानी के छींटे भी अभी तक दिख रहे होंगे, मैंने साफ नहीं किए। सुबह सुबह अच्छा लग रहा है, बैठे हुए ऐसे हम लोग टेम्पल कैंपस में, मज़ा आ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ बल्लालेश्वर देवस्थान पाली भक्त निवास। चाय के साथ खा, मस्त लग रहा है, बिना पब्लिक का हो गया। थेपला और चाय, ब्रेकफास्ट हमारा। गाइस,
मॉर्निंग स्टार्ट्स विद अ थेपला एंड टी व्हिच सीम्स टू बी क्वाइट इंप्रेसिव द होल डे गोज वेल टिल वी स्टार्ट आवर ब्रेकफास्ट पाली में गणपति जी के सुबह सुबह दर्शन भी कर लिए हैं और अब यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी सब सोए हुए हैं यहाँ पे और हम मंदिर के बैक साइड में खड़े हुए हैं इस टाइम, तो चेहरा कुछ अजीब सा दिख रहा है। इट्स ओके, ट्रैकिंग पे ऐसा ही सब होता है। हमारे पूरे जितने भी लोग हैं सब ने दर्शन किए हैं, बहुत प्यारे दर्शन हो गए। अभी बिल्कुल रश नहीं है, पंडित जी ने हमारे लिए एकदम से खोल दिया और जैसे ही खुला मंदिर और हमने वैसे ही दर्शन कर लिए। नीरज भी आ गया दर्शन करके। गाइस मज़ा आ गया दर्शन करके। बाहर ही बाहर से बप्पा को गुड मॉर्निंग बोला लेकिन जो दिल को शांति मिलती है, एकदम मुख दर्शन हुए, एकदम बहुत बढ़िया दर्शन। कोई नहीं था, बस हम लोग ही थे दर्शन करके। बस अब हम लोग जो है अपने सफ़र के लिए निकल पड़े हैं। वी आर रेडी। टाइम हो रहा है 5:10। और सारे डॉग्स हमारे पे भौंक रहे हैं क्योंकि रोड पे सिर्फ हम लोग हैं। कहाँ गया नीरज? नीरज तो दिख ही नहीं रहा। सब घर के कुछ। ये वो रोड है जहाँ से हमारा सफर शुरू होने वाला है। हाँ। और राधा रवि गणपति बप्पा के दर्शन करके हमने यहीं से सफर शुरू किया है, उनको याद करके। कभी आपको लाइट मिलेगी, कभी अंधेरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यू विल हैव टू एडजस्ट विद अस। सारे घरों के कुत्ते भौंक रहे हैं हमारे ऊपर। तो कहते हैं कहाँ सुबह सुबह आके हमें डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग। बाकी लोग इधर दिख नहीं रहे कुछ। चलो चलते हैं। दोस्तों नाइट ट्रैक में ऐसा ही होता है, आपको कुछ ज़्यादा अंधेरे में हम दिखा नहीं पाते हैं। नहीं नहीं 1 hour later गाइस, हमारा ऑलमोस्ट ट्रैक कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट सब लोग बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनली हम लोग पहुँच गए गाइस, फोर्ट के बेस पे पहुँचे हैं हम लोग। आई डोंट नो आज क्या हो रहा है, मैं भी कल तक तबीयत खराब थी तो आज जरा सी बॉडी हिल गई है, पर फिर भी बहुत अच्छा करा ना। 1.5 घंटे में चल रहा है, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आई कांट बी अ प्रोफेशनल बट यस। दिन का रात हो गया है, रात का दिन हो गया है। अच्छा ठीक है, फुल मस्त मॉर्निंग हो चुकी है। यहाँ से सीधा है क्या? बैकग्राउंड मस्त दिख रहा है। हाँ मजा आ रहा है। हालत देखो हमारी कैसी हो गई, फेस रेड हो गया। कंप्लीट हो गया बस। अरे व्यू इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना ऊपर से। यहाँ से भी राइट? हाँ यहीं से नहीं, आगे से जहाँ पे जो है। तो ये ऐसे ही जाना है?
आपको जमेगा तो यहाँ से राइट ले लो। नहीं मैं देखता हूँ, इस पे चाहिए तो पहले सीधा हो जाए। जैसे किधर से भी मत चढ़ो, नॉर्मल आओ सीधी तरह से। हो गया यो। फाइनली गाइस, फाइनली आई मैनेज टू डू इट। काफ़ी डाइसी ट्रैक था यहाँ से, ये ट्रैक है इतना पैच। अब आगे चलता हूँ, आगे देखते हैं और कितना पैची होना है। ये गुफा है एंट्रेंस पे ही। ओ डॉग इज स्लीपिंग हियर। अब ये कितनी, ये 100 सीढ़ियां है ना। 96। चलो काउंटिंग स्टार्ट, गिनते जा। चलो चलो, कह रहे हैं कि ये 100 के ऊपर सीढ़ियां हैं जो अब मैं चढ़ने वाला हूं, व्हिच आई थिंक विल बी अ टास्क। एंड ये स्टेयर्स है जो काफी वो है, हाइट में ज्यादा है, काफी पैर उठा के रखना पड़ रहा है। हेलो सैम। यो। ये हमारा वन ऑफ द लीडर है। चल, गोइंग गुड। काफी इजी जा रहे ट्रैक पे फिलहाल, ऑलमोस्ट पहुंचे। नीरज का सुबह के बाद रात हो चुकी है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन भी हो गया।